वेदर तो आप चेक कर रहे हो कि बिल्कुल आप लंदन का वेदर है, क्योंकि बादल आए हैं और एक खूबसूरत मौसम है, और उसी के साथ खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ। पवेलियन के ऊपर आपने अपडेट मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो सीलिंग की फ्रेमिंग है उसके लिए तैयारी हो रही थी, और ताज़ा अपडेट भी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ग्रास के बारे में बताऊंगा। मेरी पिछली वीडियो में आपने जो देखा है कि यहाँ पर ग्रास कटिंग का काम जो था वो शुरू था, ग्रास कटिंग हो रही थी, और आज इस साइट पर भी ग्रास कटिंग का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से जारी है, और इसमें वाजिया फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसमें डिज़ाइनिंग हो रही है, मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें, आज की वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। अगर चैनल पर नहीं आए तो ट्रैवल विद शाह फैसल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आप लोगों को बता दूं कि बीच में जो डिज़ाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, खूबसूरत तरीके से इसमें डिज़ाइनिंग हो रही है, और इस मशीनरी की बदौलत ये काम होता है। और इस वक्त जो मैं आया हूँ ये तो ऑफिशियली ऑफ है, मतलब डे ख़त्म हो चुकी है, और फिर जब ये प्रोफेशनल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, फिर यहाँ पर प्रोफेशनल वर्कर है, एक्सपर्ट है, फिर यहाँ पर फुटबॉल मैच जो है ये लोग फुटबॉल प्ले करते हैं, और बड़ा ये भी एंटरटेनिंग होता है। लेकिन डिज़ाइनिंग जो आप लोगों को नज़र आ रही है खूबसूरत तरीके से हो रहा है, जैसे आपको न्यूजीलैंड की ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, इसी तरह आपको अरबाब न्यास क्रिकेट स्टेडियम भी नज़र आ रहा होगा। जी व्यूअर्स, जिस तरह मेरे एक दोस्त ने, मेरे भाई ने कमेंट्स किया था, नाम तो मैं भूल गया हूँ, कि वो कह रहा था कि लाइट के बारे में हमें अपडेट दे, तो लाइट के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो केबल ट्रे आप लोगों को नज़र आ रही है फुल ग्राउंड में, जो इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, इसको कहते हैं केबल ट्रे। तो ये यहाँ पर स्पेस का अप एंड डाउन का मकसद ये है कि ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तरह नहीं है, ये फ्लावर जो शेप होता है उसकी तरह है। तो ग्राउंड दिखाने का मकसद ये है कि फुल ग्राउंड में ये केबल ट्रे इंस्टॉल हो चुकी है, और केबल लीडर जो है वो आपको ट्रसेस के दरमियान केबल लीडर आप लोगों को नज़र आ रहा है, जिस तरह वो केबल लीडर इंस्टॉल हो चुके हैं। केबल लीडर के थ्रू लाइटिंग होगी ऊपर, यहाँ पर ये जगह आप लोगों को नज़र आ रही है, यहाँ पर लाइटिंग होगी, और प्रॉपर तरीके से वो वाली लाइटिंग यहाँ पर लगेगी, तो अरबाब न्यास के स्टेडियम यहाँ इसकी लाइटिंग हो जाएगी, विकेट हो जाएगी, और यहाँ डे नाइट मैचेस भी होंगे, और यहाँ पर T20 मैचेस में भी काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि लाइटिंग जो है वो इस तरीके से यहाँ पर लगेगी, और फ्लावर शेप होगा, और फिर यहाँ से ड्रोन व्यू होंगे, तो मज़ा ही जो है वो दुबाला हो जाएगा। और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि पवेलियन के अपडेट्स। मैं मौजूद हूँ पवेलियन के अंदर, अभी सेकंड फ्लोर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चेक करें कि यहाँ पर जो सीलिंग फ्रेमिंग है, यहाँ तो कंप्लीट हो चुका है, और सीलिंग फ्रेमिंग भी हो चुकी है, विंडो भी एल्युमिनियम की जो है वो लग चुकी है, तो ये जो सेकंड फ्लोर है वो माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। जो सीलिंग शीट है वो अप्रूव करने के बाद लगेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल डीपी है वो भी लग चुके हैं, ये मैं भूल गया था, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रिकल डीपी जो है, ये तारे वगैरह, ये प्रॉपर जो काम है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है, बड़े बेहतरीन आला तरीके से ये इलेक्ट्रिकल का काम हो चुका है। टेन पोर्शन में ये बताना पोर्शन में ये बताना चाहूँगा कि ये वाला जगह जो है, ये वाला पोर्शन ये रह रहा है, बहुत जल्द ये जगह भी यहाँ पर जो फ्रेमिंग है वो लग जाएगी। इसी तरह जहाँ ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, नज़दीक से बताऊँगा कि यहाँ फ्रेमिंग जो है ये कम्प्लीट हो चुकी है, तो ये भी फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और फिर यहाँ पर जो काम हो चुका है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये जो स्टेयर्स है इसके ऊपर मार्बल का जो काम है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि स्टेयर के ऊपर इस वाली जगह पर मार्बल का काम हो चुका है, और ये वाला स्टेयर जो है इसके ऊपर भी मार्बल वाला काम जो है वो होने वाला है, बिल्कुल नीचे तक ये इसके ऊपर मार्बल का काम होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्बल आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये तो डन हो गए, इसके ऊपर फिनिशिंग टच होगी, फिनिशिंग टच के बाद यहाँ मार्बल होगा, तो ये फुल एंड तक वहाँ तक ये जाएगा। मैं उस तरफ भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो स्टेयर स्टेप्स है इसके ऊपर भी मार्बल का काम हो चुका है, और नीचे ये और ये, बहुत जल्द यहाँ पर मार्बल का काम शुरू हो जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये थी पवेलियन की अपडेट, और लाइट के बारे में भी आप लोगों को बताया, ग्रास के बारे में भी आप लोगों को बताया, और यहाँ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, सासों ने वफा कर दी, तो इंशाल्लाह
मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और पड़ोसी का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।